तो ये देखिए कितनी सुंदर हमारी दही वाले बैंगन की रेसिपी बन के तैयार है। आपको देखने से लग रहा होगा ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली जैसी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही वाले बैंगन की रेसिपी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने दो बैंगन लिया मीडियम साइज़ के, जो कि वेट लगभग 150 ग्राम के आसपास होगा दोनों बैंगन को मिला के। और कुछ हमने इस प्रकार का शेप रखा, आप चाहे तो बिल्कुल गोल शेप भी रख सकते हैं। हमने थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से शेप रखा है इसका, तो शेप आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और इस प्रकार से कुछ इतना मोटा हमने काट के रखा है, तो सारे बैंगन को हमने काट लिया है। अब चलते इसे नेक्स्ट प्रोसेस पर। फ्रेंड्स हमने धो के इसे बैंगन को काटा है, और दही हमने लगभग 250 ग्राम के आसपास लिया है। उस दही को हम फेंट लेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए दही, इसमें दाने दाने ना रहें। तो ये देखिए दही फेंटने के बाद कुछ फाइनली हमारा कुछ इस प्रकार से तैयार हुआ है दही। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। इसके लिए हमने दो बड़े साइज़ का प्याज लेके और 3 से 4 हरी मिर्च लेके हमने काटा है मिर्ची को 2 भागों में। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे हम फ्रेंड्स फ्राई पैन में तेल डाल के इस बैंगन को हम अच्छे से तल लेंगे। अब बैंगन को यहाँ पे लगभग लगभग पका ही लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए आप चाहें तो बिल्कुल ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं आप इसे। तो हमने ये देखिए कम तेल में इसे बारी बारी से इसे हल्के हाथों से चलाते हुए इसे पकाया है। तो आप चाहें तो इसे तवे पे भी पका सकते हैं, कढ़ाई में भी तल सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार से हमने दोनों तरफ से पलट के इसे हल्के से रोस्ट किया है। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी नमक मार देंगे इसमें। नमक डालने से क्या होगा कि इसमें जो बैंगन में वो अच्छे से सेट हो जाएगा नमक भी। तो ये देखिए हमारा फाइनली बैंगन हमारा दोनों तरफ सिक चुका है। ये बहुत ही जल्दी मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पक जाता है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से बारी बारी से पलटते हुए इसे पकाएंगे, ताकि ये जलने ना पाए, और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तो अब हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमने, आप चाहे तो चिमटे की मदद से भी इसे निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने 2 बैचों में बैंगन को फ्राई किया था। तो ये पहला बैच है, दूसरा बैच भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दूसरे बैच को भी इसे निकाला है बना के। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस पर चलेंगे फ्रेंड्स। वही फ्राई पैन में हम, ये देखिए हमने इस प्रकार से कुछ फ्राई होकर ये निकला है बैंगन। तो उसी फ्राई पैन में हम थोड़ी सी और तेल डालेंगे, और खड़ा जीरा 1/2 चम्मच, और हमने जो मिर्ची काटा था मिर्ची भी इसमें इसी स्टेज पे डालेंगे। मिर्ची हमने 4 से 5 हरी लिया है। और उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज जो हमने बारीक बारीक काटा था 2 बड़े साइज़ का। तो इसे हम चला लेंगे अच्छे से, और इसे भी हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसे चलाने के बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे। तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएं फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ढक्कन हटाने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे फ्रेंड्स, ताकि ये हमारा प्याज जो है अच्छे से गल सके। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा प्याज पक रहा है। तो ये देखिए फाइनली हमारा प्याज पक गया है। इसे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे इसे। और उसके बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ी सी सब्जी मसाला। और सारे मसाले को हमने बिल्कुल 1/2 चम्मच रखा है। तो ये देखिए मसाला भूनने के बाद हम इसमें अब यहाँ पे दही ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो दही ऐड करते समय चूल्हे को बंद कर देंगे, तो क्योंकि ज़्यादा हीट होगा तो फिर ये दही फटने का चांस रहता है फ्रेंड्स। तो चूल्हे को हम बंद करके दही डाल के 1 से 2 मिनट इसे मिला लेंगे। उसके बाद फिर हम चूल्हे को ऑन करेंगे, और वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पर, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे फ्लेम को। तो ये देखिए दही हमारा, इसका देखिए अब कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये देखिए फाइनली हमारा इसका कितना बढ़िया कलर चेंज हुआ है। तब हम इसी स्टेज पे हमने जो बैंगन फ्राई किया था उसे हम डालेंगे बारी बारी से इस प्रकार से हाथों के सहारे। तो ये देखिए आप फटाफट बैंगन डाल के हम इसे अच्छे से, आप चाहे तो बैंगन थोड़ा सा आपका कच्चा हो तो यहाँ पर कवर करके लो फ्लेम पर पका सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ बैंगन अच्छे से पक गया है पहले ही। तो यहाँ पर केवल हम मसाले में इसे कोट कर लेंगे।
तो ये देखिए हल्के हाथों से आप चलाएंगे ताकि बैगन ये टूटने ना पाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बैगन पका हुआ है। तो शेप आप अपने हिसाब से बैगन का रख सकते हैं, चाहे तो आप लंबे शेप में भी बना सकते हैं इसे। तो इस प्रकार के शेप में थोड़ा सा देखने में भी बढ़िया लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये बनके दही वाले बैगन की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसकी प्लेटिंग बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि प्लेटिंग थोड़ी सी हटके होती है इसकी। तो हम पहले नीचे में एक लेयर दही का डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे इसे। तो ये फेटा हुआ दही है, हमने दही को थोड़ा सा रख लिया था। तो अब बारी बारी से हम बैगन फ्राई किए हो को इस प्रकार से डालेंगे किसी चम्मच या चिमटे या चाकू की सहारे से। तो ये देखिए ये डालने के बाद हम फ्रेंड्स अच्छे से पहले बैगन को डाल लेंगे, उसके बाद हम एक लेयर दही का चलाएंगे इस पर। आप चाहे तो यहाँ पे काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक लेयर दही का चला के उसके बाद फिर से एक लेयर हम बैगन फ्राई का हम चलाएंगे, उसके बाद फिर से हम दही चलाएंगे। तो इस प्रकार से 2 से 3 लेयर आप बना सकते हैं। तो ये सारे मसाले जो बचे हुए हमने डाल दिए और दही। तो उसके बाद हम इसमें फ्रेंड्स तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए हमने सूखी मिर्च को तेल में फ्राई करके इसमें डाला है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इस प्रकार की रेसिपी एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय जय भारत।